देखिए, क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स -2,4, 3,-1, -1,0, 1,2, -3,-5 लाई। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए हमें यह बताना है कि जो पॉइंट्स हैं वो किस किस क्वाड्रेंट या किस एक्सिस पर लाई करते हैं। उसके बाद हमें उन्हें कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करके उनको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। अब देखिए, आपको ये मालूम है कि अगर कोई भी पॉइंट होता है, मैंने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में सब कुछ हर टर्म को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाकर देख सकते हैं, ये क्लास और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी कोशिश करता हूँ जो है ये क्वेश्चन बहुत क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, आपको ये मालूम है कि हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर हम लगा देते हैं, ये पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लें, तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और उन कोऑर्डिनेट्स के बेस पर भी हम ये बता पाते हैं कि वो पॉइंट्स जो है वो किस क्वाड्रेंट या किस एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये जो पहला पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारे पास, उस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2 और 4, ये इसका x कोऑर्डिनेट है और इसका ये y कोऑर्डिनेट है। तो हम इन दोनों के साइन देखकर हम ये बता पाएंगे कि कौन किस क्वाड्रेंट में है। देखिए, अगर दोनों के दोनों प्लस प्लस के होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, अगर दोनों के दोनों माइनस माइनस में होते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और अगर पहला प्लस पहला माइनस दूसरा प्लस होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और अगर पहला प्लस दूसरा माइनस होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है इनके साइन देख करके ये बताएंगे कौन कौन से क्वाड्रेंट या किस एक्सिस पर हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पहला माइनस है और दूसरा प्लस है। जब पहला माइनस हो और दूसरा प्लस हो तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जब पहला प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो जब पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, इसको मैं अभी बताता हूं, सबसे पहले इनको कंप्लीट कर देता हूं। अगर दोनों के दोनों प्लस हैं, देखिए यहां पे 1b यानी x कोऑर्डिनेट प्लस का है और 2b यानी कि y कोऑर्डिनेट प्लस का है। जब दोनों के दोनों प्लस के होंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम लास्ट वाले की बात करते हैं तो इसमें दोनों के दोनों माइनस माइनस के हैं, तो दोनों के दोनों माइनस माइनस के होते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस का और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस का हो, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अभी हमने देखा ये चारों के चारों जो थे क्वाड्रेंट में थे। अब बात करते हैं -1,0 की। देखिए, सबसे पहले आप एक बात ये समझें कि अगर दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स नॉन जीरो नंबर हैं, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, अगर दोनों के दोनों नंबर अगर नॉन जीरो नंबर हैं तो वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में ही आएंगे, वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में ही आएंगे, एक्सिस पर नहीं आएंगे। मगर अगर दोनों में से अगर एक भी जीरो हो गया, दोनों में से एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट में से अगर कोई भी एक जीरो हो गया, तो फिर वो क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे, वो फिर किसी ना किसी एक्सिस पर आएंगे, ठीक है। अब वो किस एक्सिस पर आएंगे, जैसे -1 और जीरो है, तो आप इसका कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि जो पहला वाला होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो दूसरा वाला होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो है, तो अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो वाई एक्सिस को खत्म कर दो, तो क्या बचा फिर? एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये किस पर होगा? ऑन एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है। अगर इसमें ऐसा होता कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ, मान लीजिए 0,3 होता, तो अगर हमसे ये पूछता तो अब इसमें एक 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 जीरो नंबर मतलब एक जीरो आ गया है, एक कोऑर्डिनेट जीरो है, दोनों के दोनों नॉन जीरो नहीं है, दोनों के दोनों नॉन जीरो होंगे तो किसी न किसी क्वाड्रेंट में होंगे, मगर अगर इनमें से कोई भी एक जीरो आ जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेंट में ना होकर किसी एक्सिस पर जाएंगे। तो इसमें जो पहला वाला है वो जीरो हो गया, अब पहला वाला जब जीरो हो गया तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, तो एक्स एक्सिस को खत्म कर दो, तो किस पर
होगा ये ऑन वाई एक्सिस पर, ठीक है। कभी कभी ये भी आ जाता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो वो अगर अगर हमारा जो कोऑर्डिनेट है, जो नॉन जीरो है, अगर उसके साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो वो अगर एक्स एक्सिस पर है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस लगा बता दें, और अगर उसके साथ प्लस लगा हुआ है और वो एक्स एक्सिस पर है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बता दें, ठीक है। और अगर जैसे मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पर था, तो वाई एक्सिस पर अगर हम बात करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट जो था प्लस था, तो ये प्लस की ये ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा। अगर मैं इसके साथ माइनस लगा देता हूं तो ये ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा, ठीक है। हम जो है इन पॉइंट्स का वेरिफिकेशन देने के लिए इसको कार्टेशियन प्लेन पर भी शो कर देते हैं। देखिए, जब कार्टेशियन प्लेन पर शो करते हैं तो हमें एक्स और वाई एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली है। अब मैं इस पर जो है नंबर्स को दिखा देता हूँ। जब इन पर नंबर्स को दिखाएंगे तो आपको पता है जो ओ एक्स होता है, यानी कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, वो सीधे हाथ की तरफ वाली होती है, इस पर प्लस के नंबर चलेंगे और इस पर माइनस के नंबर चलेंगे। इस तरह से वाई एक्सिस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, इसलिए उस पर प्लस के नंबर चलेंगे और नीचे वाले पे माइनस के नंबर चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। आप अपने हिसाब से कितने भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा, बेहतर है कि आप कार्टेशियन प्लेन को जो है ग्राफ पेपर पर शो करें। मैं यहाँ पर ओनली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3, -4 और -5। इस तरह से यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, आप ऊपर 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर -1, -2, -3, -4 और -5 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको जब हम लोकेट करेंगे, दूसरा, इनकी डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए सारे के सारे नंबर्स की, ठीक है। अब जब इनको लोकेट इस पर करेंगे तो आपको ये मालूम है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ये थर्ड में आ जाता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो अब जब आप पहले वाले को लोकेट करेंगे तो आप सबसे पहले जब भी किसी को भी लोकेट करना होता है तो पहले वाले को देखते हैं। पहला वाला क्या है, एक्स। एक्स अगर माइनस का है तो इधर को चलेंगे, प्लस का होगा तो इधर को चलेंगे। तो एक्स क्या है, माइनस का है, तो यहाँ से जीरो से इधर आ जाएंगे माइनस टू पर, उसके बाद यहीं पर रुके रहेंगे। उसके बाद देखेंगे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 4। अगर वो प्लस का है तो ऊपर को चलेंगे यहीं से, अगर माइनस का होता तो नीचे को चलते, तो प्लस का 4 है तो यहीं से ऊपर को चले जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ तो मैं यहाँ पर ए लिख सकता हूँ। दूसरा जो है, अगर दूसरे पॉइंट को देखें तो 3, -1 है, तो पहला क्या है, पहला वाला एक्स होता है, एक्स क्या है, प्लस का 3, तो प्लस के 3 का मतलब यहाँ पर, दूसरा क्या है, -1, तो -1 कहाँ आ जाएगा, अगर वाई माइनस का है तो नीचे को आएंगे यहीं से उतने ही नंबर, तो यहाँ पर आ गया। इसको बी अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर हम बी दिखा सकते हैं। तीसरा जो है -1, 0 है, तो पहला वाला क्या होता है, एक्स, एक्स क्या है, -1, तो -1 यानी यहाँ पर आएगा। और दूसरा वाला क्या होता है, वाई, वाई क्या है, 0, तो 0 है तो ना तो ऊपर को जाएगा ना नीचे को जाएगा, तो यहीं पर रुका रहेगा ये, तो इसको सी पॉइंट ले सकते हैं हम। इसी तरीके से जो डी पॉइंट, अगर मैं इसको डी पॉइंट ले लेता हूँ तो पहला क्या है, 1, एक्स क्या होता है, पहला वाला एक्स होता है, एक्स क्या है, प्लस का 1, तो यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस वाला दूसरा वाला होता है वाई, वाई प्लस का 2 है, तो यहीं से ऊपर को चले जाएंगे, तो ये डी पॉइंट आ गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फिफ्थ वाले की, तो पहला वाला क्या होता है, एक्स, एक्स क्या है, -3, तो -3 तो यहाँ पर आएंगे, और दूसरा वाला क्या है, वाई, वाई क्या है, -5, तो नीचे को आ जाएंगे यहीं से, तो हम यहाँ पे -3, -5 ये आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा ये ई पॉइंट, ठीक है। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था ए पॉइंट, वो सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो ए पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में ही आया है। जो बी पॉइंट बताया था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बोला था, तो यहाँ पर बी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आया है। जो थर्ड था सी, वो एक्स एक्सिस पर बोला था, देखें सी पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर ही है। जो डी पॉइंट था ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला था, तो देखिए डी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया है। और फिफ्थ जो है थर्ड क्वाड्रेंट में बोला था ई वाला, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आया। ये इसका आंसर है।